हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए आपको झूठ बोलने की मशीनरी बताया और कहा कि जब तक इनकी सरकार पंजाब में नहीं थी तब तक ये लोग सारे दोषारोपण पंजाब पर करते थे। वहीं राम रहीम को मर्डर केस में बरी किया गया है जिसे लेकर भी अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अनिल विज ने लोकसभा चुनावों को लेकर भी बड़ा दावा किया है। अनिल विज ने आम आदमी पार्टी को झूठ बोलने की मशीनरी बताते हुए आम आदमी पार्टी की नेत्री आतिशी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने एक बार फिर हरियाणा पर पानी ना देने के आरोप लगाए थे। इस पर अनिल विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा दूसरों पर दोषारोपण करती है और अपने मुद्दे कभी नहीं सुधारती। पहले वे सारा दोष पंजाब पर मढ़ते थे और जब से पंजाब में आपकी सरकार बनी है उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। ये इसी तरह खुद को लोगों के गुस्से से बचाते हैं। अंबाला से हमारे संवाददाता पंकज भाटिया की रिपोर्ट। देखिए ये जो आम आदमी पार्टी है ये झूठ बोलने की मशीनरी है। ये हर मामले पे दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, अपना ये कमी क्या है वो नहीं देखते और उसको ठीक भी नहीं देखते। जैसे प्रदूषण का सारा दोषारोपण आप इनके पुराने बयान निकाल कर देखो पंजाब पर लगाते हैं, लेकिन जब से पंजाब में आप पार्टी की सरकार बनी है इन्होंने वो बोलना बंद कर दिया है। ये इस पार्टी की कारगुजारी है। इसी प्रकार से ये अपने आप को लोगों के जो गुस्सा है उससे बचाने की कोशिश करते हैं। फैसला है और सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद ही माननीय हाई कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला है। देखिए 4 तारीख को जो होना है वो पहले ही दीवार पर लिखी हुई इबारत है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की लोकसभा की 10 की 10 और जहां से मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं नायब सैनिक करवाल से वो सीट भी जीतने जा रहे हैं और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और भारी भरकम बहुमत के साथ, क्योंकि जो 400 का नारा दिया था वो यूं ही नहीं दिया था, बहुत सारे चीजों को देख कर दिया गया था। और उसके बाद हरियाणा में भी चुनाव होने जा रहे हैं और हरियाणा में भी डंके की चोट पर तीसरी बार भी सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।